गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अपन मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना 144 इंटू 5/18, ये चला जाएगा 8 बार, 8×5 40 मीटर प्रति सेकंड। तो 100 मीटर, 100 मीटर में अपन 40 का भाग देते हैं तो ये चला जाएगा 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन सरल कीजिए, 5 + 4 × 5 + 4 × 5 2 + 4 × 5 3 + 4 × 5 5। तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 4 × ऊपर हो जाएगा 5 × 5 − 1/5 − 1, ये ऊपर कॉमन आ जाएगा ना, 5 + 4 फिर कोष्टक में 5 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5। अभी आ जाएगा 5 + 5 6 - 5, ये हो जाएगा 5/6। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे होल में रखा जा सके। तो ये एक घनाभ का विकिरण, घनाभ का विकिरण होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर 144 प्लस चौड़ाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगी √169। तो ये हो जाएगा 13 का मान, उसमें सबसे बड़ी छड़ 13 मीटर की। आगे देखे स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, सरल कीजिए 5 + 0.5 + 0.005 + 0.005 + 0.005 × 2, 0.005 फिर हो जाएगा 0.0005, ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 5 5 × 2, 5 × 5 5 × 2। 5 × 10 का 0 हासिल की 1, 5 × 10 11 का 1 हासिल की 1, 5 × 10 11 का 1 हासिल की 1, 5 × 10 11 का 1 11 का 1 हासिल की 1, 5 × 10 11, तो ये हो जाएगा 11.111। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, संख्या 1A5A01 में 1 के स्थान पे कौन सा अंक आएगा यदि संख्या 11 से विभाजित है। संख्या किसे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो अपन पहले a + a + 1 − 1 + 5 + 0 = 6, ये हो जाएगा a + a + 1 = 11 − 6 2a + 1 = 17, ये हो जाएगा 2a = 17 − 1, तो a = 8। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य को 25% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम किया जाता है, इसके वास्तविक मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। तो पहले 25% 100 से कितना
125, इसको कितना किया 100 से 80, तो ये 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार, ये 4 बार 20 से ये 5 बार, तो 5 चौका 20 और इधर भी 20, तो वास्तविक परिवर्तन न तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, 25,000 की राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है तो ब्याज की दर 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 32,000 माइनस 25,000, 32,000 माइनस 25,000 कितना बढ़ गया 7,000, 7,000, 7,000 कितने साल में, 4 वर्ष, 4 वर्ष में, तो एक साल में कितना, एक साल में कितना, 7, 4 एकम 4, 3, 4 संते 28, 4 पंजे 20, 1750, 1750 बटा कितना है मूलधन 25,000 इंटू ऊपर आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1, 175 में 25 का भाग देंगे 7%। आगे देखें स्टूडेंट आठवां क्वेश्चन, 100 रुपये प्रति किग्रा वाले शुद्ध घी और 50 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाए, तो ये कितना रुपये किग्रा वाला हो गया 100 रुपये, ये हो जाएगा 50 रुपये, ये हो जाएगा 50 रुपये, 96 रुपये प्रति किग्रा पर बेचने पर कितने का लाभ होना चाहिए, 20% का, तो इसका 100% का मूल्य 0 से 0, 8 बार 80 रुपये, तो 80, ये हो जाएगा इधर 30, ये हो जाएगा इधर 20, 3:3:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। आगे देखें स्टूडेंट्स नौवा क्वेश्चन, एक बर्तन में 3:2 के अनुपात में मिलाए गए दूध और पानी का मिश्रण 20 है। आगे देखें स्टूडेंट्स, 513, 1134, 1215 का मैशअप है याद कीजिए, तो 513, 513, 1134 और 1215 का मैशअप है, इसे जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 171, 3 से 3 तिया 9, 2, 3 7 21, 3 8 24, 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, 3 7 21, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, फिर चला जाएगा 3 से, फिर चला जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 से 59, 3 4 12, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो इसका आ जाएगा एच सी एफ बराबर 3 × 3 × 3, एच सी एफ आ जाएगा 27। आगे देखे स्टूडेंट्स ग्यारहवा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो, 21, 36 और 66 से विभाजित हो, तो इसमें अपन 3 का भाग देंगे 3 से 7 बार, 3 से 12 बार, 3 से 22 बार, फिर अपन 2 का भाग देंगे तो 7, 6 और 11, 7, 6 और 11, अपन को 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 7 × 3 × 2 × 11, तो 3 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 11 का स्क्वायर, इन सबको करने पर आएगा 21, 34, 44। आगे देखे स्टूडेंट्स बारहवा क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:4 था, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, 3:1, 3:1,
वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो अंतर कितना हो गया? 20 वर्ष। यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो 3 * 3 - 2 * 2, तो अक्ष बराबर, 20 × 40 20, अक्ष बराबर 20, तो ये कितना था? 20 और ये कितना था? 60। अब तो इसकी हो जाएगी 70 वर्ष अब, और इसकी हो जाएगी 10 वर्ष बाद 30 वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष। आगे देखे स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, 100 मीटर और 80 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 51 मीटर प्रति सेकंड और 42 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों की लंबाई हो जाएगी 100 मीटर प्लस 80 मीटर बराबर 180 मीटर, और इसकी अगर एक दिशा में चल रही है तो उनकी चालें घट जाएगी, 51 - 42 51 - 42 9, तो 180/9 20 सेकंड। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किमी की दूरी पर स्थित है, 110 किमी की दूरी पर स्थित है, एक ट्रेन सुबह 7 बजे से चलना शुरू करती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और एक की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वह किस समय वे दोनों मिलेगी? तो कितनी दूरी है ए और बी के बीच? 110 किलोमीटर की, एक ट्रेन सुबह ए से 7 बजे 20, तो ये कितनी चल गया जाएगी? 20, तो ये कितनी, कितना बच गया? 90, 90 को दोनों चलेगी, 20 और 25 45 की स्पीड से कितनी देर से? 2 घंटे में, तो 7 ये इधर हो जाएगी 8, तो 9 10, 10 बजे सुबह 10 बजे ये इधर चली जाएगी, 20 और चल जाएगी 9 बजे, फिर 10 बजे हो जाएगी ये 20 और चल जाएगी, ये इधर से चलेगी 25 8 से 9 और 9 से 10 बजे वो दोनों जाके मिल जाएगी। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यह राशि 338 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए, कितनी हो जाती है? 338, तो 4% 4% 1 साल का है तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 8.16%, तो पूरी राशि हो जाएगी 108.16, तो ये हो जाएगी 338 बराबर 108.16 इंटू 100, पॉइंटर जाएगा ऊपर चला जाएगा 100, इसको इससे काटने पर आ जाएगा 312.50। आगे देखे स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, पी और क्यू अकेले किसी काम को 15 और 20 दिन में, पी कितने दिन में? 15, क्यू कितने दिन में? 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 60, 15 * 4 = 60, 20 * 3 = 60, 15 * 4 = 60 और 20 * 3 = 60, दोनों की दक्षता दक्षता हो जाएगी पी और क्यू की, पी की 4 और क्यों की 3। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए, विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना, तो विक्रय मूल्य अगर 100 से कितना हो जाएगा? 200, लाभ 3 गुना हो जाएगा, लाभ अगर 50, लाभ 3 गुना हो जाएगा, 1 गुना तो 200/4 × 1, तो पहले कितना था? 50 रुपये का लाभ, फिर हो जाएगा 150 रुपये का लाभ, तो लाभ प्रतिशत, तो पहले 50 का लाभ था तो 50/ कितने पर? 50 पे था, इंटू 100, तो 50 से 50 चला जाएगा 100%। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, पी को एक कार्य करने में 10 दिन और क्यू को 24 दिन, पी को एक कार्य करने में 10 दिन
और क्यों को 24 दिन, आर की मदद से वे सभी काम 6 दिन में, तो पी क्यों और प्लस आर की मदद से 6 दिन में, सबका लघुत्तम हो जाएगा 120, ये इससे 20 बार, ये इससे 5 बार, ये इससे 12 बार, तो पी की स्पीड कितनी है 12, प्लस क्यू की कितनी है 5, प्लस आर की हो जाएगी 3, आर की हो जाएगी 3, तो कुल पारंपरिक स्प्रिंग उन्हें भुगतान कितना प्राप्त हुआ, तो पी क्यू आर, पी की कितनी 12, क्यू की 5 और आर की 3, तो उनका कुल भुगतान कितना था 1000, और उनका स्पीड का अनुपात हो गया, कुल अनुपात हो गया 20, तो ये चला जाएगा 50, तो इसका हो जाएगा 600, इसका हो जाएगा 250 और इसका हो जाएगा 150। आगे, एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या से 3 गुनी अधिक है, गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से कितनी गुनी है 3 गुनी, तो गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या 3 गुना है, 3 × बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 3 आर क्यूब बराबर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच, तो ये 4/3 × 3 की जगह हो जाएगा 27, 3 गुना अधिक है, तो ये हो जाएगा 27 × r³ बराबर, इधर हो जाएगा r r r का स्क्वायर इंटू एच, तो ये r का स्क्वायर से ये ऊपर वाला चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 9 बार, तो ये हो जाएगा 36 r बराबर h, तो इसकी 36, इसकी त्रिज्या 36 गुना हो जाएगी। आगे देखें स्टूडेंट्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो। 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो। 3 का भाग, 3 × 12, 3 × 18, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 30, फिर 2 से 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 7 और 5, तो ये हो जाएगा 3 × 6 × 6 × 7 = 35, 36 × 35, 36 × 35 हो जाएगा 1260। आगे देखें स्टूडेंट्स, धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।